हाई दियर माई नीम इज मुस्कान एंड यूर वॉचिंग नॉलेज इस कोर्ट सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी ज्योम्राफिक प्रोसेसिज एंडोजेनेटिक एंड एक्सट्रोजेनेटिक फोर्सेज जो कि हमारे पास सिक्स चैप्टर है इलेवेंथ क्लास के एन सी आर टी में सो गाइज बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट वन एवर आई विल अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो यू विल गोट यू नोटिफिकेशन सो लेट इस्टार्ट so before we jump on uh, geomorphic processes what it is so पहले हम कुछ questions देखेंगे कि आ, जो हमारी earth है वो इतनी uneven क्यों है जब हम earth को देखते हैं तो इतनी uneven होने का यहाँ पर ये मतलब है कि कहीं plains हैं कहीं पर mountains हैं तो कहीं पर आपके plateaus हैं right ऐसा क्यों है कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इसके पीछे वर्क करती हैं क्या कारण है कि जो अर्थ का जो सरफेस है, है, है वो अन्य वन सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है इज अर्थ रिमेन सेम क्या जो अर्थ है वो हमेशा सेम रहती है यानी कि आज जैसे अर्थ है क्या वो हजार वर्षों पूर्व भी वैसे ही थी लाखों वर्ष पूर्व भी वैसे ही थी या फिर आने वाले समय में वो वैसे ही होगी राइट right? तो उसका भी हम आंसर देखेंगे ना वट आर द कॉज ऑफ फीचर्स विच आर ऑन द देर सरफेस जो हम आर सरफेस पे फीचर्स देखते हैं हम देख कि यहाँ पे रॉक्स हैं डिजर्ट में देखेंगे आप यू विल फाइंड आउट मशरूम रॉक्स राइट इन हिमालयाज़ में आप में हाई हिल्स एंड पीक्स देखेंगे एंड ग्लेशियर्स देखोगे नाउ आपके जहन में ये जो है क्वेश्चन आना चाहिए बिंग जोग्राफ कि जो सरफेस फीचर्स हम जो भी अर्थ पे देखते हैं वो किस तरह से हैं क्या वो हमेशा से हैं वो ऐसे ही रहेंगे या फिर उनमें चेंजेस आते रहते हैं राइट right? इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम आगे वाले कुछ स्लाइडों में जो है जानेंगे और जो आपकी जो एक एक्साइटमेंट है उसको आप जो है वो बरकरार रखें ताकि हम बहुत अच्छे से जो है इसको समझ पाएँ सो एवरी वन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच फोर्स एक्ट ऑन अर्थ सरफेस अर्थ का जो सरफेस है उस उसमें कौन कौन से फोर्सेज वर्क करती हैं राइट अर्थ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका ओरिजिन इंटीरियर ऑफ अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोशन इन कॉन्टिनेंट्स मिनरल्स एंड रॉक्स ना ये आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस है कौन से जो फोर्सेज हैं जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर या फिर के अर्थ के अंदर जो है वो वर्क करती हैं फर्स्ट वी हैव एक्सोजेनिक फोर्सेस सेकेंड इज एंडेनेटिक फोर्सेस जस्ट गो इन द वर्ल्ड एक्सो एक्सो मीन्स बाहर एक्सटर्नल एंडोजेनेटिक एंडो मीन्स अंदर अर्थ के अंदर वो प्रोसेस जो अर्थ के बाहर सरफेस पे वर्क करती है नोन एज एक्सोजेनिक प्रोसेस एंडोजेनेटिक प्रोसेस जो अर्थ के अंदर वर्क करती है उनको एंडर्जेटिक प्रोसेसेस कहते हैं फिर फोर्सेस कहते हैं राइट इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नाउ जो आपकी हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस है या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं अफेक्ट अर्थ सरफेस आउटसाइड एक्सटर्नली ये क्या करती है एक्सटर्नली जो है जो अर्थ का जो बाहर का पार्ट है उसको अफेक्ट करती है राइट इनको हम लैंड वियरिंग फोर्सेस कहते हैं क्योंकि लैंड को क्या करती है इरोड करती है वियर करती है राइट वेदर इरोजन एंड मास मोमेंट ये इसके कुछ एग्जाम्पल है राइट वेदरिंग क्या होती है इरोजन क्या होता है मास मोमेंट क्या होता है वो हम देखेंगे राइट वेदरिंग को हम हिंदी में अपक्षय कहते हैं इसमें क्या होता है अपक्षय में रॉक्स जो है वो टूटती फूटती है इरोजन में क्या होता है अर्थ का जो सरफेस है वो जियो आ, जो एजेंट होते हैं जोग्राफिक एजेंट उनके द्वारा इरोड होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है वो आपकी लैंड ये है हाँ आपका लैंड है कोई इस तरह से स्लोप लैंड यहाँ से वाटर आता है तो वो क्या करेगा यहाँ के जो मटेरियल है जियो मटेरियल सॉइल है अपने साथ बहा ले जाएगा इरोड कर रहा है यानी कि इरोजन हो रहा है इरोजन का ये सिंपल मीनिंग है देन व्हेन वी टॉक अबाउट द मास मोमेंट मास मोवमेंट में क्या होता है लैंडस्लाइड आप देख सकते हो मास मोवमेंट इसमें जो होल पार्ट है जो कुछ पोर्शन है अर्थ का वो खिसक जाता है डिसप्लेसड हो जाता है अपने पोजिशन से राइट right? वो किन फोर्सेस की वजह से होता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से मेक इट श्योर कि आपको समझ में आ गया हो जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसका एग्जाम्पल क्या है वेदरिंग है इरोजन है एंड मास मोमेंट, है राइट एवरी वन नाउ वी हैव एंडोजेनेटिक फोर्सेस मीन्स जो अर्थ के अंदर वर्क करती हैं राइट ओरिजिनेटिक डीप साइड द अर्थ जो ओरिजिनेट करती हैं या फिर जिनका ओरिजिन जो है अर्थ के अंदर होता है दोज फोर्सेज आर नोन एज एंटोजेनेटिक फोर्सेज यहाँ उनको लैंड बिल्डिंग फोर्सेज कहते हैं इसमें क्या होता है जब अर्थ के अंदर से फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये अर्थ का सरफेस है अर्थ के अंदर से ये जो है ये फोर्सेज वर्क करती हैं राइट माउंटेन बिल्डिंग का हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं राइट ये जैसे मैंने कहा ना लैंड बिल्डिंग फोर्सेज है वाई आई एम सिंग एंड्रोजेनिक फोर्सेस लैंड बिल्डिंग फोर्सेस क्योंकि इसमें क्या होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो आपका मैग्मा है लावा है राइट वो अर्थ के सरफेस पे आता है अर्थ की सरफेस पे आके वो इस तरह से आ गया वोल्केन्यो इरप्ट हो गया मानो फिर क्या हुआ वो कूल डाउन हो गया तो उसने क्या बनाया यहाँ पे वोल्केो बनाया अर्थ के सरफेस के ऊपर फीचर बनाया तो क्या है वो लैंड को क्या कर रहा है बिल्ड कर रहा है राइट लैंड बिल्डिंग फोर्सेज है फॉर एग्ज़ाम्पल एंडोजेनिक फोर्सेज में आप टेक्टोनिक का काज़ाम्पल ले सकते हो राइट टेक्टोनिक में क्या होता है दो प्लेट्स आप उसमें कन्वर्ट करती है और फोल्ड माउंटेंस बनता है जो कि आपका हिमालयस का एग्ज़ाम्पल हम लें तो हिमालयस बन गया तो हिमालयस क्या बन गया लैंड सरफेस बन गया ऊपर लैंड के ऊपर सॉरी लैंड सरफेस के ऊपर एक लैंड बन गया ना एक फीचर बन गया तो इसीलिए इसको जो है वो लैंड बिल्डिंग फोर्सेस कहते हैं राइट right? होप कि आपको समझ में आया हो नाउ ग्रेडेशन ग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इट्स अ टर्म और हमें सब uh, कई दफ़ा जो है हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेडेशन क्या होता है द फिनिना ऑफ वेरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इरोजन थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन ग्रेडेशन कुछ नहीं है ग्रेडिशन वो फिनिना है जिसमें जो अर्थ के जो फीचर है मानू माउंटेन्स है राइट अब क्या हो रहा है यहाँ से नदी आ रही है अब नदी क्या करेगी इसको इरोड करेगी इस वाले पोर्शन को इरोड करती जाएगी पानी आता जाएगा ये पोर्शन इरोड होता जाएगा राइट इरोजन के थ्रू रिलीफ फीचर का जो है वो इरोड होना वो वियरिंग डाउन हो जाता है जियो मटीरियल का जो है वो जो मॉर्फिक एजेंट के साथ जो है ट्रांसपोर्ट हो जाना उसको ग्रेडेशन कहते हैं राइट ग्रेडिशन सिंपल मतलब है इरोजन के द्वारा किसी भी फीचर्स का इरोड होना वेरिंग डाउन होना रिलीफ का उसको कहते हैं ग्रेडिशन नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस किस किस पे वर्क करती हैं वोल्कैनिज़म इज़ वन एग्जांपल, आर्थक्वेक, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग फोल्डिंग एंड फोल्डिंग को भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में ये अब भी आप ऐसे याद रखें कि जैसे आपके एक्सोजेनेटिक में वेदरिंग, इरोजन एंड मास मोमेंट होता है उसी तरह एंडोजेनेटिक में क्या होता है वर्कैनिज्म अर्थक्वेक फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, राइट सो मूविंग फॉर द वी हैव जियोमॉर्फिक प्रोसेस आवर मेन टॉपिक राइट सो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती हैं द एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स इसमें दोनों हैं देखिए दोनों की जो है कॉम्बिनेशन है इसमें एंडोजेनेटिक भी है एक्सोजेनेटिक फोर्स भी है कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड कैमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल एंड ब्रिंगिंग आउट चेंजेस इन द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियोमफिक प्रोसेस नाव यहाँ पर जो है आपको क्या करना है यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स राइट यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं दिया आपको वाक्यों के पीछे जो भाव है जो अदर्स जो वाक्य हैं उनको आपको यहाँ पे समझना है नहीं? मैंने कहा कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है पहले हम इसी को समझते हैं राइट जियो मीन्स अर्थ मॉर्फिक मतलब शेप देना या फिर फॉर्म प्रोसेस मतलब जो आपके रेगुलर प्रोसेस राइट जो कोई चीज हो रही है एक्ट हो रही है राइट तो जियो का मतलब अर्थ मोफी का मतलब शेप तो ऐसी प्रोसेस जो अर्थ को शेप दे रही है वो कौन कौन सी है राइट right? उसमें दोनों आएंगी एंडोजेनेटिक भी आएंगी एक्सोजेनेटिक भी आएंगे क्यों आएंगी क्योंकि ये दोनों ही अर्थ के सरफेस को क्या कर रही है अफेक्ट कर रही है राइट right? एंडोजेनेटिक जो है वो अर्थ के सरफेस में वर्क करती है एक्सोजेनेटिक जो है वो आपके अर्थ के अंदर जो है वर्क करती है और उसी से जब वो वर्क अर्थ के अंदर वर्क करती है देन तो हमारी जो लैंड बिल्डिंग Uh, जो uh, चीज़ें हैं वो होती है राइट right? जो फीचर्स बनते हैं अब इसमें क्या होता है जो एंड्रोजेनिटिक और जो एक्सोजेनटिक फोर्सेस होती हैं ये क्या करती हैं फिजिकल एंड केमिकल एक्शन करती हैं फिज़िकल स्ट्रेस कैसे करती हैं इरोजन से राइट right? फिजिकली कर रही हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल एक्शन कमिंग टू द वेदरिंग मिनरल्स की बात हो रही है कॉम्पोजिशन की बात हो रही है उनके राइट सो केमिकल एक्शन में क्या होता है हमारे पास uh, एटमॉस्फेयर में जो है वो कार्बन है ऑक्सीजन है तो कार्बन जो है वो काफ़ी रिएक्टिव जो है वो गैस है जब वो किसी भी वाटर के जो है कांटेक्ट में आती है तो क्या है कि केमिकल जो प्रोसेसेस हैं रिएक्शंस हैं वो होती रहती हैं जिससे जो है बहुत से चेंजेस आते रहते हैं अर्थ में राइट फॉर एग्जांपल आपका जो है वो अर्थ है राइट अर्थ में आपके रॉक हैं रॉक जो वो डिफरेंट मिनरल से बनी है और डिफरेंट मिनरल की जो रिएक्शन कैपेसिटी है वो अलग अलग है कुछ जल्दी इरोड होते हैं कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं कुछ जो है वो आपके एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं राइट मोर रिएक्टिव होते हैं आप कह सकती हो तो जो लेस रिएक्टिव होंगे वो कम इरोड होंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो ज़्यादा इरोड हो जाएंगे राइट right? वो ज़्यादा जो है रिएक्शन दिखाएंगे अपना तो क्या हो रहा है जो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस हैं ये फिजिकल स्ट्रेस करती हैं और केमिकल एक्शन करती है अर्थ के मटेरियल में केमिकली आपको लग गया पता किस तरह से रिएक्शन करती है मिनरल एंड रिएक्शन ये दो मेन चीज़ें होती है केमिकली फिज़िकल के इरोजन है मास मूवमेंट है ये सारे इससे क्या होते हैं कि अर्थ के कॉन्फिग्रेशन के अर्थ का जो सर्फियस है उसमें चेंजेस आते हैं राइट इनको कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आपने कुछ नहीं याद रखना आपने दो चीज़ें याद रखनी है एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स प्लस जो ये कॉज करती है फिज़िकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन करती है अर्थ के सरफेस में और उससे क्या होता है अर्थ के जो फीचर है उसमें चेंजेस आते हैं कॉन्फ्लिग्रेशन में चेंज आते हैं वो हो गए जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस राइट नाउ जियोमॉर्फिक एजेंट हम पहले से मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ जियोमॉर्फिक एजेंट नाउ दी क्वेश्चन मस्ट अराइज़ इन योर माइंड कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट है ये क्या है क्या ये सेम चीज़ है या फिर अलग अलग एजेंट वेन वी टॉक अबाउट द एजेंट एजेंट का मतलब है कैरियर राइट right? जियोमॉर्फिक तो मैंने आपको बता दिया है कि अर्थ शेप राइट तो एजेंट क्या होता है एजेंट क्या है इसमें मैं कह रही हूँ आपको इरोजन इरोजन अर्थ सरफेस का इरोजन ना इरोजन कैसे होता है इरोजन वर्क वाटर के कारण हो सकता है थ्रू स्ट्रीम्स रिवर तो इसमें कैरियर क्या है जियो मटीरियल का जियो मटीरियल है कि सॉयल एंड और तो इसका कैरियर है वाटर ग्राउंड वाटर हो सकता है वो ग्लेशियर्स हो सकते हैं राइट तो ये जो वाटर है ना ये आपका जियोमॉर्फिक एजेंट है क्योंकि इरोज़न इसके द्वारा हो रहा है राइट एनी एक्सोजेनेटिक एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक वाटर है आपका आइस है ग्लेशियर जो इरोजन होते हैं विंड है जिसमें एओलियन इरोजन हम कहते हैं कैपेबल ऑफ़ एक्वायरिंग ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल जिसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अर्थ के मटेरियल को अपने साथ ले जा सकता है राइट right? उसको कहते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट आई होप आपको समझ में आ गया हो ना क्या कुछ डिफरेंस है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में और एजेंट में ऑफकोर्स है एजेंट क्या करते हैं एजेंट बस कैरियर होते हैं ले जाने वाले और जो पूरा जो फिनमिना होता है ले जाने से लेकर आपके स्टार्टिंग से लेकर डेस्टिनेशन तक वो आपकी प्रोसेस है राइट सिंपल नाओ ग्रेविटी इंड ग्रेडेंट ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मोमेंट ऑफ द मटीरियल ये इरोजन जब हम बात करते हैं एजेंट्स की जब हम बात करते हैं यही नहीं जो है आ, आ, वर्क करते हैं इरोजन पर या फिर जियो मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करने करने में हमारे पास दो चीज़ें और हैं ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स हो सकती है अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स क्या है उसमें कैपेसिटी है कि वो हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है अट्रैक्ट करती है राइट ग्रेविटी वो हो गई हमारी नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेडियंट ग्रेडियंट की जब हम बात करते हैं हम बोलते हैं कि चीज़ें हाई हाई से लो की तरफ जाती है जैसे प्रेशर है आपका तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जाती है राइट तो ग्रेडियंट का वही रोल हो गया है यहाँ पे हाई टू लो हाई टू लो तो ये चीज़ें भी क्या करती है रोल uh, प्ले करती है मटेरियल को मूव करने में नाओ हेयर इज स्लो डाउन ऐसा तो है नहीं जैसे यहाँ पे लैंड हो रहा है तो लैंड ऊपर के लिए होगा लैंड नीचे के लिए होगा होगा ना वो नीचे गिरेगा यहाँ से लैंड अगर स्लाइड होगा तो नीचे क्यों आएगा ग्रेडियंट को फॉलो करेगा हाई टू लो एंड ग्रेविटी अर्थ की जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर ना होप कि आपको ये एग्जाम्पल देखे के समझ में आ गया हो एंड प्लीज़ कॉमेंट बिलो न कॉमेंट सेक्शन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं राइट right? अगर आप मुझे कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं देन आपके आइडियाज़ जो है वो उनका स्वागत है ना एंडोजेनिक प्रोसेस की जब हम बात करते हैं सो एंडोजेनिक प्रोसेस हैं क्या अर्थ के अंदर जो फोर्सेज वर्क करती हैं राइट

तो वो एनर्जी एमिट होती रहती है एमिट होती रहती है वो देन दैट एनर्जी वर्क एज अ फोर्स तो वो फोर्स जो है वो जियोमोफिक प्रोसेस जो एनर्जेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसके पीछे वर्क करती है दिस एनर्जी इज़ मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर से एनर्जी जो है वो एमिट होती है देन ये एंड ये फिनोमिना होता है नाउ द क्वेश्चन राइज हाउ दिस एनर्जी एमर्ज इन साइड द अर्थ कहाँ से आई रेडियो एक्टिविटी के द्वारा जनरेट हुई रोटेशनल अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट हुई टाइडल फ्रिक्शन की वजह से हुई प्राइमोरियल हीट जब ओरिजिन ऑफ अर्थ के टाइम उससे जो है वो ओरिजिनेट होती है, चार चीज़ें हैं रेडियो एक्टिविटी रोटेशनल जो है फोर्स है टाइडल फ्रिक्शन है एंड योर प्राइमॉडियल हीट ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ राइट तो ये आपको आंसर जो है यहाँ पे मिल गया है एनर्जी कहाँ से आई due to variation in geothermal gradient and heat flow from with in the crustal and thickness and strength the action of androgenic forces are not uniform and hence tectonically controlled original crustal surface is uneven now very important question jo hum baat na ki earth why it is so uneven kahi mountains hai plains hai right why it is so बहुत सारी फोर्सेस इसमें वर्क करती है नो डाउट बट हम ये क्यों नहीं कहते कि हर जगह माउंटेन्स ही हैं एंडोजेनिक फोर्सेस ही वर्क कर रही हैं दो फोर्सेस जो हैं एक ऊपर से कर रही है एक अर्थ के सरफेस से कर रही है राइट right? एक सरफेस पे वर्क कर रही है एक अंदर राइट right? ना जो अंदर वाली जो फोर्सेज हैं हम उस पर बात कर रहे हैं अब ड्यू टू वेरिएशन जियो थर्मल ग्रेडिएट जियो मतलब थर्मल थर्मल मतलब टेम्परेचर जियोथर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट में जो है वो वेरिएशन होती है एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन द क्रस्टल ओके नाउ व्हाट इज़ जियोथर्मल ग्रेडियंट ग्रेडियंट तो आपको बताया हाइयर टू लो टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि जियोथर्मल जो ग्रेडियंट है वो वेरी करता है राइट right? और जो क्रस्टल की जो थिकनेस है वो भी सेम नहीं होती है राइट right? स्ट्रेंथ भी सेम नहीं होती है हर जगह कई जगह पोशन क्रस्ट का सॉफ्ट होगा कहीं जगह हार्ड होगा तो इस वजह से जो एक्शन होता है एंड्रोजेनिक फोर्स का वो यूनिफॉर्म नहीं होता है राइट right? क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है तो जो फोर्सेज जो वर्क करती हैं वो भी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को जो है वो सेम तरीके से अफेक्ट करे सॉफ्ट रॉक को जल्दी जो है वो वैनिश uh, कर देगी और सरफेस पे लावा आ जाएगा लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर आपका हार्ड पार्ट है हार्ड क्रस्ट है तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा अर्थ के अंदर ही रहेगा राइट तो इस तरह से यहाँ हमें पता लग रहा है कि जो फोर्सेस हैं एंडोजेनिक फोर्सेस दिज आर वर्किंग अनइवनली राइट इसीलिए अर्थ का जो सरफेस है वो भी अनइवन है हैंस टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल क्रस्टल सरफेस इज़ अनइवन टेक्टोनिक मतलब मोमेंट ऑफ प्लेट जो कि अर्थ के अंदर होती है राइट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन चैप्टर नंबर योर फोर ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स में सो so, होप आपको समझ में आता ना और डाईस्ट्रॉफिजम क्या होता है राइट आई थिंक एवरी वन आज के लिए इतना ही काफ़ी है जो डाईस्ट्राफिज्म वाला पोर्शन है वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा So, thanks for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe my channel. That's all for today. Bye and take care.